हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले मलेशिया के वीज़े से रिलेटेड। जैसे कि गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो भाई मलेशिया के अंदर इलीगल थे, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, जो मलेशिया गवर्नमेंट ने जो रिहायरिंग प्रोग्राम ओपन किया था उसके थ्रू जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, फिलहाल उनके वीज़े लग के आ रहे हैं। वीज़ा आना स्टार्ट हो गया, मैंने काफ़ी भाइयों के देखे वीज़े निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना। और जो न्यू कॉलिंग वीज़े के ऊपर बात करें, न्यू कॉलिंग वीज़ा भी ओपन है। तो गाइस, मैं आपको यही एडवाइस देगा, अगर आपको काम करने आना है मलेशिया में तो आप कॉलिंग वीज़े पे आए, ठीक है ना। कॉलिंग वीज़ा अप्लाई करें, कोई अच्छा सा एजेंट हायर करके उसके थ्रू आप आए कॉलिंग वीज़े पे, ठीक है ना। बाकी अगर आप ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं काम करने के लिए, ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि आप जो पैसा लगाएंगे वो सारा पैसा आपका पानी में जाएगा। आज भी एक फ़्लाइट आई थी कलकत्ता से, उसके अंदर जितने बंदे थे सारे डिपोर्ट किए हैं। इनको पता है, खासकर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जितने भी बंदे इस वक्त ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं ना, इनको सब मालूम है कि ये काम करने आ रहे हैं, तो ये आएंगे इधर ओवर स्टे हो जाएंगे और फिर ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रैवल वीज़े पे नहीं आए, अगर आपको काम ही करना है तो कॉलिंग वीज़े पे आए, ठीक है ना। कॉलिंग वीज़ा स्टार्ट हो गया, सर्विस सेक्टर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा उन्होंने ओपन किया है, फिलहाल प्लांटेशन का वीज़ा ओपन नहीं किया, ठीक है ना। और काफ़ी भाइयों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आती है, तो मैं सभी को तो मैं कॉल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन काफ़ी भाइयों को मैं मैसेज रिप्लाई भी देता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे वॉइस मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, अगर आपको कुछ पूछना है। तो खासकर काफ़ी भाइयों के मेरे पास सवाल है, जो मलेशिया के अंदर ओवर स्टे हो गए, इलीगल हो रहे हैं, जो मतलब कुछ महीने के अंदर आए थे इधर और अभी वो काम करना नहीं चाहते, वापस जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जाएंगे वापस। तो गाइस, मलेशियन गवर्नमेंट ने जब आउट पास ओपन किया था, आउट पास इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया, आप ठीक है ना। तो आउट पास ये ओपन करते हैं, हर साल ओपन करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इन्होंने कोई भी मतलब न्यूज़ नहीं आई है कि आउट पास ये कब ओपन करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो अगर आपको जाना है वापस, आप ओवर स्टे कर गए हैं मलेशिया में, आपको वापस जाना है, तो आपको फ़ाइन पे करके जाना पड़ेगा, और वो आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसमें आपको खुद इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आप किसी ट्रैवल एजेंसी में जाए, ठीक है ना। ट्रैवल एजेंसी बहुत है मलेशिया के अंदर, केएल सेंट्रल में जाएंगे, जामा मस्जिद जाएंगे, काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसी है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख ले, जो जैसे कि GS ऑस्कर हॉलीडे वालों की ट्रैवल एजेंसी है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर जाके आप अपना अपॉइंटमेंट लें इमिग्रेशन का, कि मुझे स्पेशल पास लगवाना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए मलेशिया की इमिग्रेशन में, ठीक है ना। तो आप अपॉइंटमेंट लें और वहाँ पर जाके आप अपना फ़ाइन भरें, ठीक है ना। फ़ाइन अगर आप एक साल ओवर स्टे हुए तो आपको 1100 रिंगिट आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और जाने से पहले आपने अपनी टिकट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके फिंगर होएंगे, ठीक है ना। आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो एजेंट आपसे काफ़ी पैसे ले लेगा, तो एजेंट के थ्रू जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको खुद जाना पड़ेगा इमिग्रेशन में, खुद फ़ाइन पे करना, आपके खुद फिंगर होएंगे, ठीक है ना। और एक भाई मेरे से पूछ रहा था व्हाट्सएप पे कि मुझे माल्टा जाना, मलेशिया से माल्टा कैसे जाया जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जो भाई मलेशिया से यूरोप की कंट्रियों में जाना चाहते हैं, जैसे माल्टा, पुर्तगाल, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएंगे। देखो, इतना आसान भी नहीं है जाना, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे जाया जाएगा। मलेशिया में अम्पंग में BFS ग्लोबल एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना, ठीक है ना। वो यूरोप साइड में भेजते हैं, वो आपसे जो भी पैसा मांगेगी, वो आपको पैसा आपने पे करना है, मतलब ऑनलाइन आपने पैसा पे करना है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट निकाल के देंगे, उस दिन आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस दिन का आपका इंटरव्यू होगा, मतलब जिस भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इटली, पुर्तगाल, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले BFS ग्लोबल एप्लीकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा, जो कि अम्पंग में है, वो भेजते हैं, ठीक है ना। तो जिन भाइयों के पास वीज़ा, कंपनी का वीज़ा या फिर उनके पास खुद का वीज़ा है, इधर उधर काम करते हैं, तो वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उनकी आपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, आप लीगल तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। तो और गाइस, नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको दिखाएगा मलेशिया का जू, ठीक है ना, मलेशिया का जो चिड़ियाघर है उसमें मैं जाएगा, मैं आपको दिखाएगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, तो वो ज़रूर देखना। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद गाइस, वंदे मातरम, टेक केयर।